की क्या कुछ निर्णय लिए गए इस बैठक में? जिला अध्यक्ष साथियों के साथ आज जो बैठक हुई है, इस बैठक में मुख्य रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती 24 जनवरी को कैसे मनाएं, इस बात पर विमर्श हुआ है और तय हुआ है कि बिहार के तमाम जिला मुख्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पार्टी के जिला के साथी मनाएंगे, पूरे बिहार में यह कार्यक्रम होगा। सर, संगठन विस्तार को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई है कि नहीं पार्टी? नहीं, संगठन विस्तार को लेकर तो चर्चा हुई ही है, जब साथी बैठते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा होती है और उसके आधार पे कोई फाइनल उस रूप में कोई डिसीजन होगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती बिहार के तमाम जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मनाएगी, आज की बैठक में यह तय हुआ। सर, कल आप वहाँ कई मांग भी की है सरकार से, क्या कुछ माहौल देखा और क्या कुछ अपराध को लेकर के आपने बयान भी दिया था? क्या देखिए, परिवार के लोग तो काफी दुखी हैं और स्वाभाविक है उनका दुखी होना, घर से इस तरह का कोई व्यक्ति जो पूरे घर का अकेला करता धरता था, अब उसका ना इस रूप में जाना तो दुखद तो है ही, तो परिवार के लोग मरमाहत थे, दुखी थे। इस दुख की घड़ी में हमने उनके साथ जाकर अपने को शामिल किया और साथ ही साथ उन लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि राज्य की सरकार उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, विधवा को कुछ मदद मिले, इस बात के लिए कुछ राहत का इंतजाम करे और साथ ही साथ जो अपराधी हैं, जो कोई भी अपराधी हो, जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी, सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त सजा, इसमें सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। तो हमने भी अपनी पार्टी की ओर से उनकी इन मांगों का समर्थन किया। सर, तेजस्वी यादव लगातार अगर कहीं सरकार को निशाना साध रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 30 दिन में अपराध करनी होगा तो हम राष्ट्रपति के पास जाकर के शिकायत करेंगे। तो शिकायत करना या विपक्ष के नाते सरकार कहीं उनको लग रहा है कि कार्यक्रम सरकार के खिलाफ करना चाहिए तो उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन आप मानते हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है जिस तरह से कह रहे हैं कि? हाँ भाई, इसमें कहाँ दो रहा है, अपराध की घटनाएं तो बढ़ी ही है, हत्या तो अभी देख रहे हैं कि चारों तरफ हर जिला में रोज घटना हो रही है, तो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, इसमें कहाँ कोई दो रहा है, निश्चित रूप से बढ़ी है। अफसरशाही को लेकर भी बयान आ रहा है कि अफसरशाही है और यही कारण है कि घटनाएं बढ़ रही है, मुख्यमंत्री की बात तक नहीं सुन रहे अधिकारी। अभी तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति है, वातावरण क्यों इस तरह का है, देखना उनको चाहिए। हम लोग तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि अपराध रुके, कैसे रुके या सरकार का दायित्व। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।